ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ SCV1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन। देखते 11वां नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कि फिगर शोज XT ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द टाइम टी सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू टी इज 0। तो देखो, देखते यहाँ से 0 पर उसका पोजिशन 20 थी और फिर ऐसे चेंज होके आफ्टर क्लोज टू स्लाइटली मोर देन 10 फिर से वापस सेम पोजिशन पे आ गया, तो फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन के बराबर हो गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो दिस इज क्लोज आंसर, क्लोज टू व्हाट इज कॉल्ड 10 से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्लोज टू 12 है ये। अगर हम इसको ये ब्रेक करके देखें, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 12.5, तो क्लोज टू 12, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, इनिशियली इतना 10, कितने टाइम के बाद फिर से वापस सेम पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 20 ओरिजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व, ये वाई दिया, ये एक्स दिया, तो ये रियल पाथ दिखा रहा होगा इसका। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजिशन ऑफ बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम, ठीक है। तो इंस्टेंट कर्व पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन देगा, ऐसे यहाँ पे तो इधर जा रही होगी, यहाँ पे तो नीचे आ रही होगी, ये पोजिशन देखें यहाँ से यहाँ तक, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है एरो ड्रॉन फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस वही है, और जो कि इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है उसकी, है ना। इंस्टेंटेनियस तो ये है एरो पे, बट एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है, कैसे एवरेज डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड, आई मीन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगा इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, यस सर नो, ये इनिशियल ये फाइनल, मतलब पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए जहाँ पे दोनों सेम हो रहे हैं वो फाइनल बोल रहे हैं, अदरवाइज आगे भी जा रही है वो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पोजिशन कितने मीटर पे होगी, 4 और 6 के बीच में आ रहा है तो क्लोज टू 5 मीटर, और इधर की y कितना होगा वो भी 5 के आस, नहीं वो 4 और 3 के बीच में, सॉरी 2 और 4 के बीच में, तो 3 होगा, तो y3 x5। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द वेलोसिटी 4 इज एक्सेलरेटेड एट 1.2 फॉर 5, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है तो ut भी लेंगे, तो 37 आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, सारी वैल्यूज डायरेक्ट दी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डिसलेरेशन ऑफ 6 टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो ये पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो 5/18 से, तो इट कम्स 12, ये 12 आता है, 5/18 से करेंगे एग्जैक्टली 12 आएगा, तो 12 से जा रहा है, बाद में ब्रेक लगाए तो 0 हो गया, कितना रिटार्डेशन है 6 × s, सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाता है, नथिंग बिग डील इन दिस। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना फॉर हाफ मिनट 30 सेकेंड, मतलब द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, बाद में 1 मिनट में रेस्ट पे आ रही है, उसका मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन थोड़ा कम है पहले के कंपेयर में, जितना एक्सेलेशन टाइम ज़्यादा ले रही ना। नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, दो पार्ट में, पहले ऐसे गई फिर इधर गई, तो यहाँ तक पहले स्पीड निकाल ली, तो पहले हमने दो पार्ट में करेंगे, ऐसे इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, यहाँ तक का 30, हाफ मिनट का आ गया 900 मीटर, फिर यहाँ की स्पीड भी निकाली इस पॉइंट पे 30 मिनट्स 30 सेकंड के बाद, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से 60 आ गई, उसके बाद ब्रेक लगाए तो
अच्छा, ये जो 60 होगी सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ब्रेक लगाए तो ज़ीरो पे आ गए और एक्सलेशन निकाल लेंगे एक मिनट में आए तो एक्सलेशन माइनस वन, मैंने बोला था ना ज़्यादा टाइम लग रहा तो एक्सलेशन आधा आएगा, डबल टाइम लग रहा एक्सलेशन आधा आएगा, रिटार्डेशन है ये, निगेटिव एक्सलेशन आधा आएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग यहाँ से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 60 उसका यू का काम करेगा इनिशियल वेलोसिटी का, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए रिटार्डेशन आ गया है, तो यहाँ से हमें माइनस प्लस करने के बाद 1800 मीटर, तो यहाँ तक वो चली थी 9 और आगे का 18 है ना, तो दोनों ऐड हो गए तो इट कम्स टू बी 2700 मीटर्स। ठीक है, टोटल जर्नी और मैक्सिमम स्पीड तो वही जो इसने अटेंड की यहाँ पर 60, उसके बाद बोला है कि हाफ ऑफ द स्पीड, थर्ड पार्ट में देखो पोजीशंस व्हेन द ट्रेन इज एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड 30 का भाई, तो 30 पुट कर देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाले फार्मूले में, कौन सा फार्मूला ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हाफ मतलब 30, 60 की आधी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0, 2as इसका इनिशियली एक्सलेशन 2 दिया हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, s निकाल लेंगे तो ये 225 आ गया, एक पोजीशन इधर भी हो गई ये मैक्सिमम है, तो एक पोजीशन तो ये आ गई ये वाली 225, इधर वाली देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में इनिशियल स्पीड 60 थी, 30 ये 30 हाफ हो जाएगी प्लस 2as2, एक्सलेशन उसमें माइनस है ना, ब्रेक लग रहे ना इसलिए, तो वो जो है तुम्हारी पोजीशन 1350 आई, वो यहाँ से आई 1350, पहले की कितनी 18 नहीं, पहले की कितनी थी 900, तो 900 प्लस 1350 2750। ठीक है, दी पार्ट में करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में एक्सलेशन 2 है, सेकंड पार्ट में एक्सलेशन माइनस 1 है ना, फर्स्ट पार्ट के लिए निकाले, सेकंड पार्ट के लिए मैक्सिमम स्पीड बीच में गई थी 60, तो वो सब करने के बाद तुम्हें इससे वैल्यू मिलेगी। शैल आई शो यू वंस मोर, ऑल राइट, बुलेट ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक, पेड़ का जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, एंड कम्स टू रेस्ट ग्राउंड के ऊपर जो ट्रंक होता है सीधा जाता है, जो कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो पहले रिटार्डेशन निकाल लो कितना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से a मिल जाएगा -320 मीटर, क्वाइट ए हाई वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, क्विकली रेस्ट पे जाता है, वेरी डेंस होता है वो है ना, बुलेट को रोक देता है थोड़े डिस्टेंस, फिर भी 0.40 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके बुलेट इज़ वेरी फास्ट, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड नहीं दिए, तो a मिल गया, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से टाइम निकाल लो, बुलेट गोइंग सिमिलर क्वेश्चन है, गोइंग विद द स्पीड 350 इंटर्स अ कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डेस्टिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, यू दिया, वी जीरो और एस दिया, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, माइनस आएगा, एटीन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द कॉन्स्टेंट एक्सलेशन इफ इट्स टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टाइम तो दिया है कितने 5 सेकेंड का, तो स्पीड भी दी है, तो पहले एक्सलेशन निकाल लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो वी इक्वल टू यू प्लस 80 से एक्सलेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 12.5,
5 सेकंड में आया था ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिवाइड कर दिया तो उससे एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, तो जितना डिस्प्लेसमेंट था निकाला हमने उतना ही रहने वाला है। ठीक है, 19, ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखा उसने तो ब्रेक लगाना है, तो लेकिन 0.2 सेकंड निकल जाते हैं रिएक्शन टाइम में, उसने ब्रेन उसने देखा फिर सिग्नल ब्रेन में गया फिर उसने ब्रेक लगाए, तो उसमें जो है 0.2 सेकंड निकल गया, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। एज बढ़ने के साथ रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है, स्लो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इफ़ ही इज़ ड्राइविंग एट 54 द ब्रेक्स कॉजेज डिसलरेशन ऑफ 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज, तो ये पहले रिएक्शन टाइम का निकालो, 54 से जा रहा है मतलब 15, और जब तक ब्रेक नहीं लगाता तो 0.2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 15 × 0.2, तो 3 मीटर आगे निकल जाएगी वो, उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू करेगा, तो रिएक्शन टाइम का बाद में ऐड कर देंगे, ये पहले यू निकाल लिया फिर रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस निकाल लिया 5। ठीक है, उसके बाद उसने ब्रेक लगाने शुरू किए तो यू 15 से चल रही थी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये आ गया, ये आई थिंक ऊपर वाला क्वेश्चन, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया 19, क्लोज टू 19 है, तो 19 ले लिया, और 3 रिएक्शन टाइम में निकल गया था ब्रेक लगाने से पहले, 3 मीटर आगे चले गए थे, तो टोटल डिस्टेंस 22, तो रिएक्शन टाइम भी मैटर करता है, बहुत फास्ट हैं तो रिएक्शन टाइम भी, उसमें भी गाड़ी आगे निकल जाती है फिर ब्रेक लगाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिमिट्स होती है, स्पीड लिमिट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिमिलर टू द प्रीवियस वन, एक कार मॉडल है ए, उसका डिसलरेशन 6 है और ड्राइवर अलग अलग है, एक ड्राइवर का जो है ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम 0.2 है, ड्राइवर वाई का 0.3 है ना, तो उसमें निकालते कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इन टोटल, रिएक्शन टाइम ऊपर निकाला हुआ है हमने, फिर से निकाल सकते हैं, इसका निकाला हुआ 54 का 15 × 0.2, 3 मीटर है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल के उसके साथ ऐड कर देंगे, 15 स्टॉपिंग डिस्टेंस 18, इसको 19 लिया है, 3 मीटर रिएक्शन टाइम, 22 मीटर पर जाके रुकी, और इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, देखते कितना है, तो ये इसने 20 है स्पीड इसकी, और ये 3, 6 मीटर तो उसका रिएक्शन टाइम आ जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते 33 मीटर, तो 39 पे जाके रुक रही, ये 22 पे ही रुक रही है देखो, और ये 39, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऑब्स्ट्रक्शन अगर 22 मीटर में ही था उसने तो रोक लिया, पर ये जाके हिट कर देगा, बिकॉज इसका रिएक्शन टाइम भी स्लो है और स्पीड भी ज़्यादा से चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस मोर। ठीक है, फॉर सेम कार, ऐसे इसमें भी देखो इसका डिसलरेशन ज़्यादा है, ब्रेक्स अच्छे हैं इसके, 7.5 है इसका ब्रेकिंग एक्सीलरेशन, तो इसका यू, इसका जो ड्राइवर है जिसका रिएक्शन टाइम कम है, तो देखते कितने उस पर रोकता जाए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से, तो ये आ गया 15 है ना, तो ई की वैल्यू 15 आ गई, और एफ टोटल तो 3 वो ऐड कर दिया, इसका भी 54 ही अभी, तो अभी भी 3 आएगा, 17 पे रोक रहा है वो, ब्रेकिंग अच्छी है, पहले जो है वो 22 पे रोक रहा था, अभी 17 पे रुक रही गाड़ी, और दूसरे वाले का देखते रिएक्शन टाइम, अभी रिएक्शन टाइम जो है जिसका ज़्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन किया 27 आ गई, रिएक्शन टाइम जो है कितना था 6, उसका 6 प्लस 33 पे रोक पा रहा, पहले 39 पे रोक रहा था, अभी 33 पे कम से कम 6 मीटर पहले रोक रहा है, बिकॉज इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, ब्रेकिंग जो है गुड, तो दिस मच ओनली, नेक्स्ट क्लास में विल सी द फर्दर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, जस्ट यू कैन सी द सॉल्यूशन।
All right, thank you.